हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं ये बेल है आज इसकी शरबत को घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं और अपने बच्चों के साथ एक चैलेंज वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा और इसके गूदे को निकाल के रख लिया। अगर आप देखते हो हाथों से बीज अलग हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी इसमें रहने देते हैं। और जो इसके छिलके पे लगा हुआ है, हम लोग तो इसको खोपड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना ज़रूर। उसमें जो लगा होता है उसको आप एक स्पून से बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके उसी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जो हाथों से हो सकता है वो हाथों से, नहीं तो स्पून से इस तरीके से क्रश करके निकाल लीजिए। ये मैंने सारे को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और उसी में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बीज को नहीं निकाल रही हूँ, जितना निकला था तोड़ते वक्त एक दो मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करके इसको स्पून से ही क्रश करने की कोशिश करूँगी। अगर स्पून से क्रश हो जाता है अच्छी तरीके से तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने जैसे किया है आगे वीडियो में कुछ चीज़, इसका पल्प जो है थोड़ा सा मैश करना पड़ता है, तो फिर मैं वही अपने हाथों से इस तरीके से करूँगी। ये थोड़ी देर के बाद, हाथों से करने के बाद ऐसे हो गया था, बहुत अच्छे तरीके से घुल गया था। अब मुझे इसको छानना है, तो मैं एक और भी जिस बाउल में सर्व करूँगी उस बाउल में मैंने ले लिया है। और अगर आपके पास छन्नी है बहुत थोड़ी सी बड़ी तो आप उसको ले लीजिए, लेकिन मेरे पास बड़ी छन्नी नहीं थी तो ये मैं चावल इसमें छानती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है अभी और इस तरीके से स्पून से चलाते हुए इसका पल्प नीचे की तरफ गिरते हुए बहुत अच्छी तरीके से इसको छान लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है, गर्मियों में तो बहुत ही हेल्दी होता है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, मेरे घर में पीते हैं सब लोग, मतलब हम जो तीन चार लोग हैं तो हम पीते हैं गर्मियों में ज़्यादातर। और अगर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाइए और इसको इस तरीके से करते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये 10 से 5 मिनट में इस तरीके से हो जाएगा और सारा पल्प आपका आ जाएगा। बीज और जो इसमें लच्छे होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो अब मेरा हो चुका है, जो नीचे पल्प लगा हुआ है वो मैं स्पून से ही खींच ले रही हूँ और वो जो बेस था मैंने उसको रख दिया। अब इस तरीके से है, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना चाहते हो तो आप इसमें शुगर मत डालिए, ये ऐसे भी थोड़ा बहुत मीठा होता है, बट मुझे मेरे बच्चों को देना है तो मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ शुगर और इसमें मिक्स कर दीजिए। और कोई फ्लेवर तो मैं नहीं ऐड करती हूँ, बस थोड़ी सी पुदीने के पत्ते इसमें डाल दूँगी, थोड़ी देर इसको रख दूँगी जिससे इसका फ्लेवर आ जाए, इसमें थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाए। और इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के बाद निकालूँगी। अगर आप ज़्यादा ठंडा पीना चाहते हैं तो आइस के साथ रख लीजिए, नहीं तो इसको फ्रिज में रख दीजिए। तो मुझे तो अभी सर्व करना था तो इसलिए मैंने 2 ग्लास लिया है, इसमें 2 आइस क्यूब डालूंगी और मैं डेली उनको पिलाती हूँ जो पीते हैं मेरे बच्चे। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं उनको दोनों को एक चैलेंज दूँ कि कौन जल्दी पीता है और कौन नहीं पीता है। आगे आप लोग वीडियो को एंजॉय करिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। थैंक यू सो मच। और आगे आप लोग चैलेंज को देखिए, मेरे बच्चे किस तरीके से करते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है। और बस यही है आज की वीडियो। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम फिर एक चैलेंज के साथ आ गए हैं, बेल का रस पीने का चैलेंज है। इससे पहले मम्मी ने आपको रेसिपी बता दी है। एक्चुअली मैं बेल का रस, मेरे को बहुत पसंद है और मैं जीत रहा हूँ ये चैलेंज। मैं बताता हूँ आपको कैसे पीते हैं आज। आज देखो आप लोग, देखो बेल का रस मुझे भी बहुत पसंद है, मैं बहुत काफ़ी पीती हूँ बेल का रस, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ बस इनको मैं जीतूंगी। गाइस अभी तक मैं एक चैलेंज नहीं जीता क्योंकि मैं इस चैलेंज का वेट कर रहा था। सब बोलने वाली बातें देख लेता, एट द एंड ऑफ द डे मैं जीतूंगी। एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीडियो? ओह
स्टार, हम टाइमर नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि मम्मी अभी हमें 3-2-1 का काउंट डाउन देगी और 1 पे हम चम्मच निकाल के रखेंगे और पीना शुरू करेंगे। जिसने पहले खत्म कर दिया वो विनर, जो कि हूँ मैं। सपनों में गाइस नहीं गाइस, मम्मा काउंट डाउन 1-2-3 स्टार्ट। पी रहा हूँ गाइस, पी रहा हूँ, ठंडा है ना, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। कुछ ज्यादा ठंडा है, ठंडा है मम्मी। सो गाइस देख लो, नहीं ये देखो गाइस, बोला था मैं जीतूंगा, मेरा देखो कितना बचा है और अंश का देखो कितना बचा है। गाइस ये ग्लास एक्सचेंज हुई है। गाइस हमने देखा है कौन जीत रहा है और कौन। गाइस गाइस देखो मैं हूँ खलनायक हार के जीतने वाला बाजीगर। ये मम्मी बलास में कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं है, कहीं नीचे से पानी कहीं टपक रहा हो, बेल का शरबत पता नहीं। सो गाइस हम इसमें टेस्ट आ रहा है पुदीना का और ये मीठा भी है बहुत। हाँ गाइस एक्चुअली बेल ना जो आया था वो पहले से भी काफी मीठा था, तो हमें शक्कर डालने की ना पता नहीं, शक्कर डाली हमने थोड़ी सी डाली होगी बट एक चम्मच मेरे को लगता है डालनी चाहिए थी, वो मैंने बेल का थोड़ा सा वो पार्ट खाया था ना, तो बेल वैसे भी काफी मीठा था। और एक और चीज इसमें पुदीने का फ्लेवर भी आ रहा है, जो मम्मी ने पुदीना डाला है उसका फ्लेवर आ रहा है, मेरे को पुदीना काफी पसंद है। अच्छा हम रिज्यूम करें पीना, कर लो 3-2-1 गो। पी रहा हूँ गाइस मैं, ठंडा है, ठंडा है ना, मैंने एक भी घूंट नहीं पी। वैसे हम ठंडा पानी तो पीते हैं। मच मोर टू गो, जस्ट मच, टूट टूट टूट। खत्म क्यों नहीं होता ये? वैसे आइस ऊपर क्यों आती है किसी भी लिक्विड में? डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी इसकी लो होगी ना। खत्म हो गया। सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू रिवील माय सेल्फ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मेरे को बिल करेस बहुत पसंद है, धीरे वो एकदम झूठ था, झूठ था, झूठ था, झूठ था। मेरे को ये शरबत नहीं पसंद और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मेरे को एक बार टेस्ट करवाया था इसने, तो मेरे को कभी पसंद नहीं आया था, उसके बाद से इसने पिया ही नहीं, फिर इसने मैंने ट्राई किया। वाला मतलब उस दिन वाले से ये वाला काफी टेस्टी है, मतलब हाँ, दिन वाला से मतलब तो टेस्ट तो करा ही था, ये तो टेस्ट भी नहीं करा, थोड़ा सा भी नहीं पिया तो है इतना, थोड़ा सा थोड़ा भाई नहीं है ऐसे करेगा। ठीक है तो मतलब दीदी चैलेंज जीत चुकी है और तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नहीं मैं चैलेंज जीत चुकी हूँ गाइस, 3 चैलेंज 3 बार विनर, कैन यू गाइस नो? गाइस कमेंट बिलो कि अगला चैलेंज मैंगो का होना चाहिए कि नहीं, मैंगो के वाले में आइसक्रीम डाल दो आप, चाहे जितनी भी जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं। गाइस पता नहीं सिर्फ बोलने वाली बातें है, पीना तो है ही, तो मैं भी जीत सकती हूँ भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, उठ कर लेकिन आइसक्रीम है उठ कर। हाँ सो गाइस अगर आपको चाहिए कि ऐसे और वीडियोस आए तो प्लीज कमेंट और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संध्या तिवारी व्लॉग्स, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। हाँ नहीं तो नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक यू वेरी मच।